तो दोस्तों आप लोग में से काफी लोग यहाँ पे आईफोन में व्हाट्सएप यूज करते होंगे। आपको पता होगा यहाँ पे व्हाट्सएप में भाई कितने प्रॉब्लम है आईफोन के अंदर, यानी कि आईफोन के अंदर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो भाई हर चीज के लिए भाई सेव टू फाइल, सेव टू फोटोज पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन भाई व्हाट्सएप का ऐसा अपडेट आ गया जिसके अंदर ये जो सारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। और ये जो अपडेट में आपको कोई भी यहाँ पे आपको फोटो भेजता है या फिर आप किसी को फोटो भेजते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे गैलरी से फोटो भेज सकते हो, डायरेक्टली आपका जो फोटो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो, जितने भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी ये जो फीचर्स है सारे बीटा टेस्टिंग में थे, लेकिन अब जाके ये सबके लिए पब्लिक हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारे जो यहाँ पे अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला अपडेट देखे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करते ही आप किसी से भी यहाँ पे चैट करते हो या फिर किसी को आप फोटो वीडियो सेंड करना चाहते हो वो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, तो होता यह था कि जैसे आप प्लस वाले आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करते हो, जो प्लस वाला आइकॉन है उस पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो सीधा आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में लेके चल जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो नए नए ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे चूज फ्रॉम फाइल्स और चूज फोटोज और वीडियोस। तो जैसे चूज फ्रॉम फाइल्स करते थे यहाँ पे फाइल मैनेजर खुल जाता है जहाँ पे कोई भी फाइल हो वो शेयर कर सकते हो आप। तो ये फाइल मैनेजर वाला पहले आप यूज किया करते थे जैसे कि सारे जो फोटोज है वो सेव टू फाइल्स करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे आप डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करते हो यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप चूज फोटोज और वीडियो पे क्लिक करते हो यहाँ पे सिंपली आपका जो पूरा गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो कोई भी फोटोज वीडियो आप शेयर कर सकते हो, जो भी 2 GB के अंदर हो तो कोई भी फोटो वीडियो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। जैसे क्लिक करते हो फोटो पे, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेंड हो गया सीधा गैलरी से। मतलब अब आपको यहाँ पे सेव टू फाइल्स करने की जरूरत नहीं है, यानी कि गैलरी में जाके बार बार किसी भी फोटो वीडियो को सेव टू फाइल्स करके डॉक्यूमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। अब सीधा डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सीधा चूज फ्रॉम फाइल्स या फिर चूज फोटोज और वीडियोज पे क्लिक कर दो, आपके जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। तो दूसरा अपडेट ये है कि अगर आपका दोस्त कोई भी एक फोटो भेजता है तो आप पहले करते थे कि शेयर करके इसको सेव इमेज करते थे, जिससे होता यह था कि आपका जो फोटो दो बार कॉपी हो जाता था। लेकिन अभी आप इसको शेयर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एक नया ऑप्शन आ रहा है सेव नाम का, यानी कि यहाँ पे जो सेव इमेज का ऑप्शन है वो यहाँ से हट गया है और आपका जो फोटो है वो डायरेक्टली यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देख लो गैलरी में जो फोटो है डायरेक्टली आके यहाँ पे सेव हो चुका है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ ये जो फोटो है सीधा व्हाट्सएप से ही सेव हुआ है। देख लो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सेव फ्रॉम व्हाट्सएप लिखा है, मैंने सेव इमेज पे क्लिक नहीं किया, ये जो फोटो है डायरेक्टली व्हाट्सएप से ही सेव हुआ है। यानी कि अब आपको यहाँ पे कोई भी फोटो को यहाँ पे सेव इमेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा वो आपके गैलरी में आके सेव हो जाएगा और आपका बहुत सारा स्टोरेज यहाँ पे बच जाएगा। और ऐसे ही करके आप डॉक्यूमेंट फाइल्स को सीधा गैलरी से भेज सकते हो, यानी कि कोई भी बार बार यहाँ पे सेव टू फाइल्स करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो जाए, अब सीधा आप गैलरी से यहाँ से भेज सकते हो। तो यही दो अपडेट थी यहाँ पे, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं कॉर्नर साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।